नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश ने दिल्ली के अपने समकक्ष अरविंद केजरीवाल और अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की योजना पर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टी जदयू ने यह बात कही है। इसी बीच नीतीश ने मिशन अपोजिशन के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नया फॉर्मूला निकाल लिया है। ये फॉर्मूला है वन मैन वन शॉट का। क्या है नीतीश कुमार का ये फॉर्मूला? जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने गुरुवार को कहा है कि विपक्षी एकता के लिए 2024 का नीतीश फॉर्मूला वन सीट वन कैंडिडेट है। यह देश में लागू हो गया है। सभी विपक्षी दलों के साथ चर्चा पूरी हो गई है और इसका परिणाम जल्द दिखाई देगा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव के साथ क्या हुआ, इस बारे में कुछ मुद्दे मीडिया में आ रहे हैं और इन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल पहले ही नीतीश कुमार की पहल को पूरा समर्थन दे चुके हैं। सियासी गलियारों में एक चर्चा है और कि नीतीश ने कांग्रेस को बड़ी सलाह दी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस से बोला है कि वो सिर्फ 260 से 63 सीटों पर चुनाव लड़े। ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते या दूसरे नंबर पर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। वहीं नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मीडिया हमेशा पूछता है कि विपक्षी दल का पीएम चेहरा कौन होगा। इस सवाल के पीछे का विचार पहल को पटरी पर उतारना है। विजय चौधरी ने कहा है कि भाजपा ने हमेशा यह दावा किया है कि देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। हम उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि हम वैकेंसी क्रिएट करेंगे। भाजपा वर्षों से देश में केवल 37% वोटों के साथ शासन कर रही है। वोटों के विभाजन के कारण विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक सीट एक उम्मीदवार का फॉर्मूला अगर लागू हो जाता है तो देश में भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा कम हो सकता है।